सारा, उस दिन जो तुमने सदरा के सामने बोला था वो बहुत गलत बात थी। क्या जरूरत थी ये कहने की कि जब देखो तुम यही नजर आती हो। Doesn't look nice. मैं एक बात नोट कर रही हूँ, तुम सदरा को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? मोहब्बत तो नहीं हो गई उससे? देखो वो, एक सेकंड में तुमसे भी बात करता हूँ। जी अम्मी जी। हाँ पुत्र जी, कई प्रोग्राम है, घर का तो आना है। क्यों, कोई काम है? हाँ है, वो बेबी बाजी है ना, उनके खाला के पड़ोसी की बहन की बेटी की सालगिरह है, तो वहाँ जाना है मुझे। तो कमीज के साथ दुपट्टे की मैचिंग करा दे, मैंने मार्केट ले जा पुत्र प्लीज। हाँ पापा जी के साथ चली जाए ना, मैं पहले घर आऊँ फिर आपको बाजार लेकर जाऊँ। उनसे कह दे सिंपल। माँ सदके, अब्बा जी का तो ऐसे कह रहा है जैसे आज उनके साथ तेरी पहली मुलाकात है। ले ना जानो मैं किधरे, बात करते हैं। अच्छा चले ठीक है, मैं घर आता हूँ फिर देखते हैं। खुदा हाफिज़। पूछी पूछी। अम्मी की कॉल थी, कह रही है कोई मैचिंग वाला दुपट्टा लेकर आओ। अब खुद तो मैं ये लेने से रहा, इसलिए मैं पहले घर जाऊं उनको बाजार लेकर जाऊं ताकि वो एक मैचिंग वाला दुपट्टा ले। अब मैं काम पर फोकस करूं या मैचिंग के दुपट्टों पर? तो मैचिंग का दुपट्टा खरीदना कौन सी रॉकेट साइंस है, फिर जाते हुए ले लेना। मुझे जरा गौर से देखो, मेरी पर्सनैलिटी को देख के तुम्हें लगता है कि मैं मैचिंग का दुपट्टा एक मीना बाजार में खड़े होकर खरीद सकता हूँ? मेरे लिए ना ये रॉकेट साइंस है। मैं हेल्प कर सकती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मैं हेल्प कर सकती हूँ। वाकई? हाँ, रुबीना आंटी से बोलो कि तुम्हें दुपट्टे की पिक्चर व्हाट्सएप कर दें, हम घर जाते हुए बाजार चले जाएंगे ले लेंगे। बट आर यू श्योर? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करती हूँ, समझे? अम्मी मुझे सूट की तस्वीर भेज दे, मैं आते हुए दुपट्टा ले आऊंगा। ये देखो, ये वाला तुम्हें सही लग रहा है? इधर आओ, इसको तुम निकाल के दिखा सकते हो मुझे? मोबाइल निकालो। ऊपर करो। हाँ ये मैच कर रहा है, ये खरीद लो। अब वो जो उस दुकान में हमने देखा है वो बेहतर नहीं था? तुम कलर ब्लाइंड तो नहीं हो? बहुत फर्क था। नहीं मुझे तो सेम ही लग रहा है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, तुम्हारे बस का काम नहीं है ये। चलो पेमेंट करो यार। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, तुम यहाँ पर सही? हाँ मैं अपनी सिस्टर का दुपट्टा लेने आया हूँ। मैं भी अपनी अम्मी के लिए दुपट्टा लेने आया हूँ। वो एक्चुअली मुझे इस सब के बारे में कुछ पता नहीं ना, इसलिए सारा की हेल्प ली। आप खड़े क्यों, जाओ घर पहुँचाओ बहन तक दुपट्टा। जी साहब। खुदा हाफिज। ये तो बहुत गलत हो गया, एक तो ये सही हर जगह पहुंच जाता है। क्यों, क्या मसला है? तुमने देखा नहीं उसकी आंखों में? मैं अच्छी तरह समझ गया वो हमारे बारे में क्या सोच रहा था। तुम जो ऑफिस में खुल्लम खुल्ला चोरापन करते हो, उसके बाद भी तुम्हें डर है कि सईद क्या सोच रहा था? तुम्हें ना बहुत सी बातों का अंदाजा नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। भाई इधर आओ। अरे खुदा की पना, हमारी आंखों में धूल झोंककर हमारी गाड़ी में सैर सपाटे हो रहे हैं। अजान चुप हो जाएं, ये बातें हम घर जाकर कर सकते हैं। अरे क्यों चुप हो जाऊं? और तुम इधर देखो मेरी तरफ, क्यों मुंह चुपा रही हो? हैं? कब से ये चल रहा है सब कुछ? काफी टाइम से चल रहा है। लाहौल बिलाकू है। अरे शर्म हया सब बेच खा आई हो क्या? दादी आप नाजिया से बात ना करें। क्यों ना कहूँ? आपको जो बात कर रही है मुझसे करें, आपका ताल्लुक मुझसे है नाजिया से नहीं। अरे तुमसे क्या बात करूँ, तुमने तो धोखेबाजी में पीएचडी कर रखी है।
कैसे सफाई से झूठ बोला? गाड़ी खराब हो गई है, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। अरे अम्मा जान बस कर देना, घर जाकर बात करेंगे। हाँ प्लीज इनको मना करें कि अभी चुप रहें। और अगर मैं खामोश न रही तो तुम क्या कर लोगे मेरा? मैं गाड़ी ठोक दूंगा। अच्छा ब्लैकमेलिंग हो रही है, ठीक है मैं भी देखती हूँ कैसे गाड़ी ठोकते हो। ठोको ठोको गाड़ी। तो बस फिर कलमा पढ़ ली। अरे क्या कर रहे हो जानी? जानी देखो प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाओ, आहिस्ता चलाओ गाड़ी। जानी देखो तुम्हारे पास ना ना शनाख्ती कार्ड है ना लाइसेंस, अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो क्या होगा? जानी प्लीज आहिस्ता चलाओ। बस एक यही दुखती रह गया मेरी, मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। बस आराम आराम से चलाओ, घर जाके बात करेंगे। चलो ठीक है। क्या थैंक यू ब्रो, तो मैं जाऊं। किस बात का? इस दुपट्टे का। बहुत शुक्रिया आपका, मेरी सात पुश्तें आपकी शुक्रगुजार रहेंगी कि आपने मुझे ये दुपट्टा दिलवाया। पता नहीं अम्मी जी को पसंद आएगा भी कि नहीं। अब उतरो जाओ, मुझे चेंज करके जिम जाना है। जी बॉस। क्या आपको वो ईमेल नहीं मिली? नहीं नहीं सर, मैं अभी खुद चेक करके आपको खुद ईमेल करता हूँ। ओके सर। तुमने वो ईमेल नहीं भेजी सर को जो मैंने तुम्हें कहा था? भूल गई। क्या मतलब भूल गई? ये कोई भूलने वाली बात है? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी वजह से भूली हूँ। तुमने पहले मुझसे बदतमीजी की, फिर मुझे दुपट्टा खरीदने ले गए। मैं नहीं लेके गया तुम्हें दुपट्टा खरीदने, तुमने खुद मुझे ऑफर की थी कि चलो साथ तुम्हें दुपट्टा खरीद के देती हूँ। God, तुम कितने नाशुक्रे हो यार। हाँ हूँ, तुम्हारी वजह से ना मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी बॉस के सामने। मेरी वजह से? हाँ हाँ तुम्हारी वजह से। अब जाओ। सदके इतनी सोनी मैचिंग करके लेके आए, बिल्कुल सेम टू सेम वही कलर। ओ मेरा मुत्ता जी, जीता रहे जीता रहे। कैसी लग रही हूँ? दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ। सच्ची? इनफैक्ट अगर कोई कंपटीशन होगा ना दुनिया में सबसे खूबसूरत माओं का, तो आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। वो मिस मदर। मिस मदर? ओ क्यों होता है फजूल जी? मिसेस वर्ल्ड। नहीं अम्मी जी, मिसेस वर्ल्ड ना कहे, मिसेस वर्ल्ड से लग रहा है कि आप पूरे वर्ल्ड की मिसेस हैं। नहीं नहीं नहीं, मिस वर्ल्ड कर ले। स्टार यार साहब तो जल के आग बगोला हो जाएगी। जीवंदा रहे मेरा पुत्र। दुपट्टा ही सही तू कुछ दे कीता ले फिर। शाबाश। चाहिए लड़की आते ही किचन में घुस गई। इंसान घर वालों की भी कोई खैर खबर ले लेता है। दादी जो भूख लग रही थी, मैं मूड भी ठीक नहीं है। मूड तो तुम्हारा और भी खराब होगा जानी साहब की कारिस्तानी सुनकर। दादी प्लीज, मुझे जानी और उसकी कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा दिमाग खराब करने के लिए शादी काफी है। ऑफिस में इतनी कोशिश करती हूँ कि खुश रहूं, पॉजिटिव रहूं, लेकिन नहीं,
ये इंसान ऐसी कोई हरकत करता है कि मेरा खून खौल जाता है। क्यों, क्या किया है अब उसने? एक नंबर का एहसान फरामोश इंसान है। अच्छा चलो छोड़ो ऑफिस की बातों को, तुम ये सुनो, जानी है ना नाजिया को पसंद करता है, डिमांड कर रहा है कि रिश्ता ले जाएं हम उसके लिए। क्या कहा आप लोगों ने? तुम्हारी अम्मा बाहर बैठी उसे शह दे रही है, समझा रही है उसे। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, शर्म क्यों करूं? लेकिन तुम जो चाहते हो ना वो मुमकिन नहीं है। ठीक है मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये भी मुमकिन नहीं है। क्यों, खरीदा हुआ आपने मुझे? हाँ खरीदा हुआ है। रसीद दिखाएं। क्या? हाँ हाँ खरीदते हुए कोई रसीद तो मिली होगी ना, दिखाएं जरा मुझे, मुझे भी तो पता लगे आपने कब कितने में और किस से मुझे खरीदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सारा से मिलने आया हूँ, पूरे एक महीने के बाद आया हूँ। और वैसे भी जब अयास के बाद मैं नीचे बैठा हुआ था तो ऊपर घर में कुछ था ही नहीं। सारा सारा सारा। अरे अब्बा आप। अरे सारा कैसी हो? घर के अंदर? हाँ हाँ भाई आज मुलाकात का दिन है ना, तुमसे मिलने आया हूँ। मैं आपको फोन ही करने वाली थी। अच्छा? मुझे ना 1 लाख का उधार चाहिए। 1 लाख? वो भी उधार? अरे तुम मेरी बेटी हो, मैं 1 लाख वैसे दे दूंगा तुम्हें। नहीं, 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 नहीं। मैं आपको 3 महीनों में रिटर्न कर दूंगी, मुझे बस अभी ट्रांसफर। नहीं नहीं पैसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वैसे दे दूंगा, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। तुम्हें इतने सारे पैसे चाहिए क्यों? इसके लिए कपड़े बनवाऊंगी ना। और वो जो अलमारी में अटाअट पड़े हैं कपड़े तुम्हारे, वो ऑफिस पहन के जाऊंगी। हाँ ओके अम्मा। लो जी ट्रांसफर हो गए पूरे 1 लाख रुपए। मेरा मसला तो बीच में रह गया, जल्दी बताएं मुझे हाँ या ना। इसका क्या मसला? नीचे वालों की मुलाजमा से इश्क कर बैठे हैं और चाहते हैं कि हम इसका रिश्ता मांगने जाएं। बेटा मुलाजमा से? नहीं बेटा तुम मुलाजमा से शादी कैसे कर सकते हो तुम? वाह आपको क्या हो गया? दफा करें, चलिए हम बाहर बैठ के बातें करते हैं। अरे 1 मिनट ठहरो, बात तो करने दो। अच्छा अगर वो मुलाजमा है तो मेरी कौन सा फैक्ट्रियां चल रही है यहाँ पर, मैं भी तो इस घर में नौकर ही हूँ। लेकिन बेटा तुम इस घर के बेटे हो, तुम मुलाजमा से शादी नहीं कर सकते ना। अरे शकील साहब आप बिला वजह चलती बस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। और आप ना अपने मामले हल करें जाकर, जाकर सारा बाजी को टाइम दें, जाएं। देख ली इसकी बदतमीजी, मैं तो ना उसको फ्री नहीं कराती। चले आप, चले। एक मिनट। तुम वाकई नाजिया से शादी करना चाहते हो? हाँ तो ठीक है, मैं लेकर जाऊंगी तुम्हारा रिश्ता। सच्ची? आपको क्या हो गया, चले ना। आप सच कह रही है ना? हाँ सच कह रही हूँ। सात भाई, आपकी ग्रीन टी और अंडे। सात भाई मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। देखें आप मेरे भाई की तरह, इसलिए मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ। वो मैं आपकी ना बड़ी इज्जत करती हूँ, खुदा की कसम दिल से इज्जत करती हूँ। और मेरा ना कोई भाई नहीं है, और मैंने एक नज़म लिखी है भाई के उनवान पे, वो भी आप ही को दिमाग में रखकर सोची है। तो मैं चाह रही हूँ वो पहले सुना दूं, उसके बाद अपनी बात कह लूं। देखो नाजिया सबसे पहली बात, जब मेरे माँ बाप ने एक ही बेटा पैदा किया तो मुझे कोई शौक नहीं,
कि मैं किसी भी रैंडम लड़के या लड़की को अपना भाई या अपनी बहन बना लूं। दूसरी बात, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे ये शेरो शायरी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, इसलिए जो बात है बताओ, पॉइंट पर आओ सीधा। कल मेरा रिश्ता आने वाला है। तो ये तो अच्छी खबर है, मसला क्या है? घर में किसी को पता नहीं है। तो मुझे क्यों बता रही हो? अम्मी को बताओ ना। मैं चाहती हूँ आप बताएं। मैं क्यों? मुझे डर लगता है। डर किससे? आपकी अम्मी से और दादाजी और अयाज साहब। अरे वो मेरे बारे में क्या क्या बोलेंगे, तुमने जिक्र ही नहीं किया। लड़का कौन? ये भी कोई बहनों से पूछने वाली बात होती है, मैं नहीं बता सकती। नाजिया, दोबारा बताऊंगा, हम भाई बहन नहीं है। ऐसे पिछली पूछो कि माशरा बड़ा खराब है, किसी गलत लड़के के चक्कर में ना फंस जाना। तुम जानती नहीं हो आजकल के लड़के किस किस्म के होते हैं। अरे आप उसकी फिक्र ना करें ना, आप अपने अंडे खाएं और फिर मेरे साथ चलकर घर वालों से बात करें। अम्मा ना मेरे जॉब के बहुत खिलाफ थी, लेकिन मुझे जॉब करनी थी तो मैंने की और मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। हाँ वैसे तुम्हें जॉब करनी चाहिए, तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा और जब एक्सपीरियंस होगा तो तुम मेरी कंपनी भी ज्वाइन कर लेना। नहीं नहीं वो नहीं करूंगी। क्यों? अरे अब्बा आप खुद सोचें, वहां मैं बॉस की बेटी होंगी और यहाँ मैं नॉर्मल सी एम्प्लॉई हूँ, तो जो मैं यहाँ सीखूंगी ना वो वहां नहीं सीख पाऊंगी। हाँ वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। आपका ध्यान कहाँ है? अरे ध्यान कहीं नहीं है, तुमसे बातें कर रहा हूँ। ये लें जी चाय पिए, आज आपको दादी कुछ नहीं कहेंगी। जानी बेटा ये तुम क्या मुलाजमा से शादी कर रहे हो? अरे मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगा। आप करवाएंगे मेरी शादी? नहीं तो और शादी दफ्तर वाले कराएंगे। भाई मैं कराऊंगा ना। इसमें हंसने वाली क्या बात है? सुन रही है सारा बाजी, जिनकी अपनी एंट्री मैंने इस घर में, अब वो मेरी शादी करवाएंगे। चले मान लिया कि आप मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे, तो रिश्ते वालों को बोलेंगे क्या कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, बताएं? अरे मेरा तो शिनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ अभी तक। और ये सब कुछ जानते हुए भी ना नाजिया मेरे से शादी करने को तैयार है। अच्छा बात सुने, अगर आप वाकई मेरी मदद करना चाहते हैं ना तो मेरा एक काम कर दे। वो क्या? मेरी वल्दियत पे अपना नाम लिखवा दें। हाँ? अरे सिर्फ कागजात में, इससे फायदा ये होगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। ओ हेलो, मुझसे बात करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात करने की? हाँ अरे आप क्यों अंगारे चबा रही है, मैं तो शकील साहब से बात कर रहा हूँ। अच्छा अपनी वल्दियत पे मेरे बाप का नाम लिखोगे तुम? शकल देखी तुमने अपनी? तो सारा छोड़ो ना। तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में चलता क्या? हाँ? मैंने तो एक बात की थी, वैसे ही आप तो जान की दुश्मनी बन जाती है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे भाई जैसा है। भाई जैसा नहीं है ये, सर पे चढ़ाए हुए फजूल में इसको। आज अपनी वल्दियत पे आपका नाम मांग रहे, कल को जायदाद का हिस्सा मांगेगा तो क्या करेंगे? मजाक है कोई ये? राम से कल लड़के वाले आ रहे, ये हमें आप बता दिया। सारी तैयारियां आप ही कर ले गया ने, तेरी शादी भी खुद ही कर लेती, हमें बताने की जरूरत क्या थी? वैसे अम्मी इसने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा जी
शाबाश, अब आप सही और गलत के फैसले करेंगे जिससे एक रेडियो तक ठीक नहीं होता। अरे आदमिया, तुम तो खामोश ही रहो, हर काम में अपनी लंबी लंबी टांगे फंसाने की जरूरत क्या है? अरे यहाँ कोई और बात हो रही है। अब्बा जी, पहले आप ये कार्टून बंद करें। कार्टून बंद नहीं होगा, आवाज हल्की हो सकती है। अब्बा जी, बीना ठीक कह रही है, ये कोई तरीका है? ना बात, ना चीत, ना आता, ना पता, अचानक लड़के वाले आ रहे हैं। अरे तो क्यों नहीं आ सकते, इसमें अनोखी बात क्या है? और वैसे भी मेरी भी तो शादी होनी ही है ना, और मेरे भी तो कुछ अरमान है। ना ना सा, मैं भी लौट जा सा। आज तेरी माँ को कॉल लगाती हूँ, आके अपनी दी को ले जाए, ये हमारे पास में नहीं रही, अब बिल्कुल लौट हो गई है। मुझे तो लगता है आप लोग बिला वजह बात का बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं, मगर ये भी कोई नई बात नहीं है, आप लोग तो हमेशा ही। दादाजी आप ही इन्हें समझाएं ना। देखो नाजिया बेटी, तुम्हारी माँ ने तुमको इसके हवाले किया है जी। ठीक है, जिम्मेदारी इसकी, अब सारे फैसले तुम्हारे लिए यही करेगी जी। लेकिन एक बात और सुने जी, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसके लड़के के घर वाले हमारे घर में आना चाहते हैं तो उनको आने दो, उनसे मिलकर बाद में फैसला करेंगे, है ना? अब्बा जी को होश करें, कौन लोग आ रहे हैं रिश्ता लेके, कौन लोग हैं, कौन सा खानदान है, ये मुंडा कौन है, करदा की है, अदाएं क्या दिखा रही है, जो सवाल किया उसका जवाब देना। अल्लाह मुझे शर्म आती है। अच्छा जी, सच्ची किस बात पे? अरे उनका नाम लेकर शर्म आती है ना। और वैसे भी वो कल आ रहे हैं, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा। सत्यानाश, इश्क लड़ाते तुझे शर्म नहीं आई, तू नाम लेते शर्म आ रही है। बक 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 बक, कल वो लोग आएंगे, उनसे मिलेंगे, फिर फैसला करेंगे। अब मुझे असली वाले कार्टून भी देखने दो और आप लोग सब यहां से जाएं, चलें आउट। कैसा लगा? बहुत अच्छा। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से ही चाहती थी कि मैं ऐसे लड़के से मोहब्बत करूं जिसको गिटार बजाना आता हो। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? अब तुमने ही तो भी बताया। ओ अच्छा। अच्छा सुनो, मुझे ना अभी नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। मुझे छोड़कर? अगर इतना ही मसला है तो मुझसे शादी कर लो, फिर छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब शादी? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्यों, तुम नहीं चाहते? नहीं नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम ये सवाल इतनी जल्दी पूछ लोगी। अच्छा बस ना, ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है कल? हाँ, बाय, गुड नाइट। ओके बाय। माँ सबके इतनी सोनी मैचिंग करके ले के आए। मैं हेल्प कर सकती हूँ, रुबीना आंटी से बोलो कि तुम्हें दुपट्टे की पिक्चर व्हाट्सएप कर दें, हम घर जाते हुए बाजार चले जाएंगे ले लेंगे।
इस ठेठ और मतलबी आदमी को मुझसे सॉरी कहना है, ये मौका तो मैं जाने नहीं दूंगी। बोलो सॉरी। क्यों? तुमने मुझे मैसेज किया था कि सॉरी बोलना है। ओ हाँ, I'm sorry। मुझे नहीं आ रहा यार, मैं जोर से बोलूं? ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए सॉरी बोलने के लिए बुला लिया। तुम सॉरी तो बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो अकड़ है ना, ये नहीं जा रही। मैंने तो सोचा था तुमसे सॉरी करूंगा, फिर कहूंगा कि कल लंच साथ करते हैं, लेकिन अब सोचो प्लान कैंसिल कर दो। ओहो, इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं आप? रहने दे। मेहरबानी नहीं, तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने सोचा मुझे भी कोई अच्छा जेस्चर दिखाना चाहिए। तो चलते हैं ना लंच पे, क्या मसला है? ओके। ओके। तो हो गई ना बात, अब जाओ। सुनो। तुम मुझसे सिद्रा के बारे में पूछ रही थी ना? मुझे लगता है मैं भी उससे मोहब्बत करने लगा हूं। Yeah, I think I like her। उस गिटार का तार और सिद्रा का प्यार कंप्लीटली सिंक्रोनाइज्ड। देखा है मैंने तुम्हें गिटार बजाते हुए, पागल हो गए हो तुम। सिद्रा के प्यार में। हाँ। सिद्रा के प्यार में। हाँ। Madly in love। मैडम। हाँ बोलो। आपके लिए कोई लंच लाया है? लंच? मना भी किया था मैंने इनको, आज साथ के साथ लंच है मेरा। तुम एक काम करो, जाके वापस भेज दो उसको। मगर वो आपको बुला रहे हैं। लंच साथ साहब के साथ? वो दादी ने आपके लिए लंच बॉक्स भेजा था। मैंने मना भी किया था, मुझे लंच नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। वो मुझे आपसे एक बात भी करनी है, ये लोग मेरा रिश्ता लेकर जा रहे हैं आज। हाँ तो क्या करूं?
अगर आप भी चलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अच्छा, इसलिए इतनी भीगी बिल्ली बन के बात कर रहे हो? नहीं, वो तो ऑफिस की वजह से ना। देखो मेरा टाइम ज़ाया मत करो, मैं नहीं आ सकती। मुझे तुम्हारी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये जॉब मेरे लिए बहुत अहम है, समझो मेरी बात। अच्छा चले, अभी ना चले, लेकिन बाद में नाजिया को शादी की शॉपिंग करवाने तो लेकर जाएंगी ना आप? वाह बेटे, तुम तो कुछ ज्यादा ही फैल रहे। तुमने जो अब्बा से बात की ना वल्दियत की, उसके बाद तो तुम्हारी शादी में शरीक भी ना हूं मैं। तुम शॉपिंग करवाने की बातें कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। वैसे अगर आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया होता ना, तो आज मैं भी कोट टाई पहन के किसी ऑफिस में काम कर रहा होता। घर का मुलाजिम है, घर वालों ने फजूल में सर पे चढ़ाया हुआ है। तुम सारा को लंच पर ले जा रहे हो? हाँ वो, और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। बेबी it's not a big deal, वो एक्चुअली उसने मेरी हेल्प की थी ना, तो मैंने बस थैंक यू कहने के लिए उसे बोला कि वो मेरे साथ लंच पे चले। तो ये सब करना जरूरी था क्या? नो, बेबी बिल्कुल जरूरी नहीं है। दरअसल मैंने कल रात उससे वादा कर लिया था। तो तुम कल रात उससे बात कर रहे थे? नहीं, बातें कर रहा था, वो एक्चुअली मुझे छत पर मिली थी। छत पे? वो मेरी नेबर है ना, तो हमारी छत पे मिली नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम कल रात उससे मिले, वो भी अकेले? हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं छत पर जाता हूँ, वो वहां आ जाती है। क्या हुआ साथ? This is too much. तुम मुझे उसके मुतालिक इंस्टॉलमेंट में क्यों बता रहे हो? तुम एक ही दफा में क्यों नहीं बता देते कि वो कौन है और तुम्हारी क्या लगती है? वो इंपॉर्टेंट नहीं है बेबी। हाँ वो तो दिख ही रहा है। सिद्रा मेरी बात तो सुनो। देखो मुझे ना तुमसे कोई भी बात नहीं करी, मैं घर जा रही हूँ। तुम घर जाओ, रेस्ट करो, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो बेबी, तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो। तुम दूर हटो मुझसे। ये किसका फोन आ गया? जी अम्मी। अम्मी नहीं बेटा, अबू बोल रहा हूँ। आप अम्मी के नंबर से क्यों कॉल कर रहे हैं? क्योंकि तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, 3 दफा ट्राई कर चुका हूँ। वो मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में था। वाह बेटा, मीटिंग? अम्मा का नंबर देख के मीटिंग खत्म हो गई? अच्छा मेरी बात सुनो, घर आओ थोड़ी देर के लिए। चुप करो। क्यों? वो नाजिया को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। वो मैं नहीं आ सकता, मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। बेटा पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ। और सुनो, आते हुए 5 किलो मिठाई भी लेके आना। अब अयाज मियां, उससे कहना मिठाई में कलाकंद जरूर डलवाए। अब्बा जी आप फरमाइश क्यों कर रहे हैं? क्या दिमाग खराब हुआ है भाई? मैं तो डाइटिंग करता हूँ, मैं थोड़ी मिठाई। नाजिया बेटी को कलाकंद बहुत पसंद है। कहो। हाँ सुनो, कलाकंद भी डलवा देना उसमें, ठीक है? लेकिन अब्बू मेरी एक बार बात तो सुन ले। मेरे पास टाइम वाइम नहीं है, जल्दी पहुंचो। खुदा हाफिज। शाम को कुछ चल। हाय। कितना काम हो गया? बस 15 मिनट और हो गए। कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। लेकिन तुम तो, मेरा मतलब है आप तो कह रहे थे कि जल्दी चाहिए। अब वो एक्चुअली मुझे घर जाना पड़ गया ना 1 घंटे के लिए, सो वापस आकर ही चेक करूंगा। घर जाना? इधर आओ। तुमने तो मुझसे वादा किया था लंच का, इसीलिए मैं आज घर का खाना नहीं लेके आई। एक बार पूछ तो लेती मुझसे। क्या पूछती? नाइस ड्रेस। थैंक यू सारा। सारा देखो, मुझे घर जाना जरूरी है क्योंकि वो नाजिया का रिश्ता देखने आ रहे हैं ना। आई हैव टू बी देयर। मुझे वाह भाई वाह, तो बहुत फर्क चल रहे हैं।
ऑफिस का काम छोड़कर आप नाजिया की शादी तय करवाने जा रहे हैं? घर वालों ने जबरदस्ती बुलाया मुझे। अच्छा, और मैं अब भूखी बैठी रहूं? देखो, तुम बाहर से कुछ मंगवा लेना, मजबूरी है मेरी। अगर तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? क्या सर? चाय? नहीं, मैं जा रहा हूं। तो आप लंच पे नहीं जा रहे?